हेलो गाइज, वेलकम टू इंक्लूसिव स्टडी सेंटर। इस वीडियो में हम UPPCS के RO AR का जो नोटिफिकेशन आने वाला है उसकी एक लेटेस्ट अपडेट आ रही है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ कि लेखपाल का रिजल्ट कब तक आ पाएगा उसके बारे में भी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो गाइज, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं RO AR के बारे में। तो जो RO AR का नोटिफिकेशन ये आएगा तो 2022 में ही, लेकिन एग्ज़ाम 2023 में होगा। ये एग्ज़ाम जहाँ तक इससे अब की तरीके प्रोसेस से काम चल कर रहा है UPPCS, तो उस तरीके से हमें लग रहा है कि ये आपका एग्ज़ाम मिनिमम जून या जुलाई के आसपास कर लग रहा है, क्योंकि जून जुलाई से पहले ये एग्ज़ाम नहीं होने वाला है। पहले PCS का एग्ज़ाम होगा, बाद में RO AR का एग्ज़ाम होगा, क्योंकि ये बहुत ही टफ पेपर होता है। ये PCS से भी टफ पेपर होता है इसमें, इसलिए अच्छे से तैयारी करके रखना। और इसकी सबसे खास स्ट्रेटजी यही है कि इसमें अगर आपने हिंदी पर कमांड कर ली और जो UPGK है उस पर कमांड कर ली, तो आपको PCS के जो RO AR का पेपर है इसको पार करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर क्योंकि इसमें UPG के बहुत क्वेश्चन आते हैं, UP करंट से भी बहुत क्वेश्चन आते हैं, और इसके साथ साथ इसमें कुछ रीजनिंग का पोर्शन भी आता है, थोड़ा सा बहुत आसान आता है, उसको आप आराम से कर सकते हो। लेकिन मोस्टली हिंदी और UPG के अगर आपके अच्छी कमांड है तो आप आराम से इस टेस्ट को पास कर सकते हो। इसका जो नोटिफिकेशन है वो लगभग 600 से 700 पोस्ट पे आने वाला, टोटल पोस्ट हो जाएंगी तब तक। लेकिन जब ये नोटिफिकेशन निकलेगा तब इसका जो नोटिफिकेशन है 250 के आसपास, 250 से 300 पोस्ट पे नोटिफिकेशन निकलने वाला है। क्योंकि आपको पता है कि सचिवालय के अंदर बहुत सारी वैकेंसी RO AR की खाली पड़ी हुई हैं, और सचिवालय की वैकेंसी RO AR की जो वैकेंसी है इनको ज़्यादा दिनों तक खाली नहीं रखा जा सकता। तो इसलिए इस पर 100% आपका 2022 में ही नोटिफिकेशन आएगा। पहले ये खबर आ रही थी कि नवंबर एंड में इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा, लेकिन नवंबर एंड में नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है इसका। इसका जो नोटिफिकेशन है वो सेकेंड वीक और या थर्ड वीक दिसंबर में आपका नोटिफिकेशन आने की पूरी संभावना है। लेकिन जैसे ही मुझे कोई इसके रिगार्डिंग नई अपडेट मिलेगी तो मैं आपको तुरंत उसके बारे में बताऊँगा। और जो इसकी एग्ज़ाम की डेट है क्लियर कट आपको पता चल जाएगी जब UPPCS का कैलेंडर आएगा। वैसे तो नॉर्मली कैलेंडर नवंबर एंड में आ जाता है, कभी कभी दिसंबर में भी आता है कैलेंडर। तो अब देखते हैं कि UPPCS कैलेंडर को कब निकालता है। बहुत जल्दी कैलेंडर आने वाला UPPCS का, तो उसमें हमें पूरी क्लैरिटी मिल जाएगी कि RO AR का एग्ज़ाम कब तक हो पाएगा। लेकिन ये बात कन्फर्म है कि RO AR का जो नोटिफिकेशन है सेकेंड और थर्ड वीक की दिसंबर में आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा। 200 से 250 से 300 वैकेंसी पर आने वाला है, और टोटल वैकेंसी इसमें बन जाएंगी 600 से 700 के आसपास का। बम्पर वैकेंसी पर PCS की वैकेंसी निकलने वाली है इस बार, और RO AR की निकलने वाली है। अब बात करेंगे गाइस जब लेखपाल के कट ऑफ की, लेखपाल की कट ऑफ की बात कर लेते हैं। जो कट ऑफ की हालांकि मैं बात कर चुका हूँ पहले ही कि जनरल कैटेगरी में अगर आपके 71 से 74 के आसपास का मार्क्स आ रहे हैं तो आप आराम से DV के लिए क्वालिफाई हो जाएंगे। तो ये कट ऑफ के रिगार्डिंग बात हो गई। अब हम बात करेंगे लेखपाल के रिजल्ट की। लेखपाल का जो रिजल्ट है तो वो गाइस आपका दिसंबर में तो आने वाला है नहीं, ये बात आप ध्यान रख लेना। क्योंकि 8 जनवरी को पैट 2022 का रिजल्ट नहीं आएगा इससे पहले, क्योंकि आपको पता है 8 जनवरी 2022-23 को इससे पैट 2021 की वैलिडिटी हो गई है। तो ये इस तारीख से तो आपका रिजल्ट नहीं आने वाला। पैट का रिजल्ट आपका सेकंड वीक जनवरी के आसपास कर आने की संभावना लग रही है, तो उसके बाद ही आपका रिजल्ट आएगा लेखपाल का। सबसे पहले जो UPSSSC रिजल्ट जारी करेगा वो लोअर का करेगा, मैं बता चुका हूँ उसके बारे में, लोअर PCS का, देन पैट का करेगा, और उसके बाद लेखपाल का करेगा। तो ये इस तरीके से रिजल्ट है। सबसे पहले हम लोअर का रिजल्ट देखेंगे। अभी लोअर का रिजल्ट उन्होंने बताया, एक कटआउट आया था कुछ दिन पहले न्यूज़पेपर का, मैंने उसके ऊपर एक वीडियो भी बनाया था कि लोअर का रिजल्ट आपका दिसंबर में आएगा। इसके साथ साथ पैट का रिजल्ट जनवरी में आ सकता है आपका, जनवरी फर्स्ट वीक में या सेकेंड वीक में, तो उसके बाद आपका लेखपाल का रिजल्ट आएगा। कट ऑफ मैंने आपको बता दिया गाइज। ये मेरी तरफ से आपके लिए एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो था। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें। धन्यवाद गाइस।